Hey guys, hello everyone. So welcome to my channel. The name of the channel is Advait Joshi. So guys, in today's video lecture, we are going to learn, or we can say we are going to see 8th standard chemistry foundation. At last video lecture, we have seen for the 8th standard chemistry as well as your bio foundation. That was the lecture 1. And in today's video lecture, we are going to see for the chemistry foundation for 8th standard, that is the lecture 2. So as we know that foundation, सो फाउंडेशन का मतलब क्या है कि वही आपका बेसिक टर्म से अगर आपका बेस अगर अच्छा होगा हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रांग होगा तो आपको 9th 10th या आपकी फ्यूचर क्लासेस या फर्दर क्लासेस में आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती. तो हम लोग बेसिकली फाउंडेशन में यहाँ पे क्या ले रहे हैं, तो हम लोग यही ले रहे जो आपके चैप्टर्स है, जैसे इनसाइड द एटम या कंपोजिशन ऑफ मैटर. तो हम लोग ने केमिस्ट्री में लास्ट में वही लिया था, उसके आज फर्दर थोड़े से बेसिक टर्म से, तो वही हम लोग आज वो लेने वाले हैं कि जिसकी वजह से बाद में हम लोग वी आर गोइंग टू द मेन चैप्टर. तो अगर आपको बेसिक टर्म्स अगर मालूम रहेगा या याद रहेगा या अच्छे से पता चला क्या है, तो आपको इस लेसन जो रहेगा आपको वो समझने के लिए बहुत ईजी जा सकता है. सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अद्वैत दिलीप जोशी, आई एम ए लेक्चरर फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट इट. सो गाइज, आप अगर मेरे चैनल को नए रहेंगे सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन बटन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अबाउट माई वीडियोज़. ओके गाइज, सो लेट्स मूव अहेड. ओके, सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर द कंटेंट्स फॉर द टॉपिक्स, वॉट आर द कंटेंट्स. सो फर्स्ट इज योअर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैन सेकेंड इज योअर वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, दैन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन योर लिक्विड्स एंड गैसेज, एंड फोर्थ इज वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. ओके गाइज, सो लेट स्टार्ट इट. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होना आपके एटम के अंदर. एटम कहाँ पे, अभी एटम इज प्रेजेंट और लोकेटेड इन द एलिमेंट, एंड वही आपका जो ऑर्बिट, अभी आपके एटम्स कहाँ पे रहेंगे, ऑर्बिट में रहेंगे, रिवॉल्व होते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं शेल्स में, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अभी एटम्स आपके अरेंज कौन से शेल्स में, कितने शेल्स रहते हैं, ऑर्बिट्स रहते हैं, देयर आर 4 ऑर्बिट्स और 4 शेल्स. उनके नाम क्या है, द नेम ऑफ द शेल्स आर के एल एम एन एन शेल. ओके, सो देखो यहाँ पे आई विल जस्ट टेक अ मार्कर फॉर यू, और वी कैन से अ लेजर पॉइंटर. ओके, सो यहाँ पे देखो आपका एनर्जी लेवल्स, ये देखो आपका दिस इज द न्यूक्लियस, यहाँ पे आपके फर्स्ट शेल, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड एंड योर फोर्थ, एंड यहाँ पे जो 2, 8, 18 and 32 जो दिया है, दैट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ ई शेल, कि कितना हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे ऑप्टेन या हम लोग गेन कर सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि वो कितना ऑक्यूपाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट की कैपेसिटी देखो 2L के शेल की, एम शेल, एल शेल की कैपेसिटी 8, एम शेल की कैपेसिटी 18 एंड एन शेल की कैपेसिटी 32. ओके, सो दीज आर द एटम्स विच आर अरेंज इन योर 4 शेल्स. सो यहाँ पे एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम आयंस, कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे देखो अभी इसकी हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीशियम का आपका क्या एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है आपका 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 12. ओके, सो अभी यहाँ पे देखो कैसे अरेंज हो रहा है, यहाँ पे 2, 8, 2 है, यहाँ पे कैसे शेल है, इनकम्प्लीट शेल है. तो क्या करता है मैग्नीशियम आयन, आपके यहाँ पे डोनेट करता है हम लोग बोल सकते हैं, एंड दूसरा ये शेल्स क्या करते हैं आपके एक्सेप्ट करते हैं. तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इज 2, 8 इनकम्प्लीट शेल, तो क्या करेगा वो लूज करेगा, यहाँ पे कोई दूसरा देने वाला मतलब डोनेट करके बाद में एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे. सो वी विल से बाय टू देम, एंड बाद में अभी देखो आपकी फुल शेल्स, अभी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट है, या हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल है. सो 2, 8 डेट इज अ टोटल इज 10, एंड यहाँ पे देखो 2, 8, 2 था, तो क्या करेंगे एटम्स, जो 12 अनस्टेबल था, तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, तो इट विल लूज द 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट नाउ इट बिकम्स अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल है एर्गॉन का. एर्गॉन आपका एक इनर्ट एलिमेंट है, यहाँ पे देखो उसका एटॉमिक मास एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया है. व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 2, 8, 8. अभी 8, 8, 8 मतलब 8 2 16, 17, 18. कैसे अरेंज है देखो, आपका ये के शेल में 2 है, एंड बाकी एल शेल में आपका 8 है, एंड आपके एम शेल में आपके 8 है, तो ऐसे आपके मिला के 18 हो गए. ओके, सो आगे है आपका डिफरेंस बिटवीन योर सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. अभी क्या होता है, सॉलिड्स कैसे है आपके रिजिड है, मतलब टफ है, लिक्विड कैसे रिजिड नहीं है, एंड गैसेस आर ऑल्सो रिजिड नहीं रहते, इनका एक डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम रहता है, बराबर. यहाँ पे इनका डेफिनेट वॉल्यूम है बट डेफिनेट शेप नहीं है लिक्विड्स को, जो हम लोग लिक्विड कोई भी वेसल के अंदर जो शेप के अंदर डालेंगे वैसे वो हम लोग बोल सकते शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है, और इसका डेफिनेट शेप भी नहीं रहते गैसेस में, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं रहते. यहाँ पे कैसे सॉलिड पार्टिकल्स है, काइनेटिक एनर्जी किसी लो रहती है, यहाँ पे कैसे इंटरमीडिएट मतलब मीडियम,
एंड यहाँ पे एकदम हाई रहती है। इसके लिए गैसेस आपके एकदम बाहर तुरंत आ सकते हैं, जैसे अगर गैस लीक रहेगा तुरंत गैस मॉलिक्यूल्स आपके एयर के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। सो यहाँ पे ये हो गया। बाद में आपके क्या कंप्रेस, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड्स को कंप्रेस एप्रिशिएबली, यहाँ पे क्या मतलब थोड़ा मतलब सभी सॉलिड्स को कंप्रेस हम लोग नहीं कर सकते, कुछ कुछ ही रहेंगे। यहाँ पे लिक्विड्स में देखो इट कैन बी इजिली कंप्रेसल एंड इनका देखो कैन बी कंप्रेस इजिली टू सम एक्सटेंट लेवल, मतलब इनको तो बहुत अच्छे से हम लोग इजिली, इसके लिए गैस आपका जो घर पे आता है एलपीजी सिलेंडर उसके अंदर भी आपका गैस कंप्रेस किया रहता है, मतलब दबाया हुआ अच्छे से रहता है या प्रेस किया हुआ रहता है। यहाँ पे देखो सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स उनके क्या है, मॉलिक्यूल्स है टाइटली और राइटली बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग ये फोर्सेज, इसके लिए सॉलिड आपका जल्दी टफ रहता है। यहाँ पे कैसे मॉलिक्यूल्स हेल्ड टाइट लेवल मीडियम लेवल के, थोड़े बहुत तो लूज रहते और यहाँ पे तो बहुत ही वीक अट्रैक्शन रहता है। ओके बाद में यहाँ पे सॉलिड्स देखो आर प्रेजेंट इन वेरी डेंस फॉर्म, एकदम डेंस फॉर्म में रहते हैं, इनका सेम आपका मीडियम लेवल एंड इनका एकदम वेरी लो, मतलब क्या हम लोग बोल सकते सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन वेरी, मतलब एकदम हार्ड रहते इजीली नॉट ब्रेकेबल, और लेकिन लिक्विड्स एंड गैसेज, लिक्विड में तो मीडियम साइज है या मीडियम रेंज है, गैसेज आर इजीली ब्रेकेबल, उनका जो रहेगा हम लोग बोल सकते हैं पजेस वेरी लो डेंसिटी। ओके सो ये था। ये होने के बाद आपका सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, सॉलिड्स तो मूव नहीं होते ना, आपका यहाँ पे तो लिक्विड तो फ्लोइंग प्रॉपर्टी है एंड यहाँ पे क्या फ्लोज होते कोई कोई गैसेस है ज़्यादा करके इवेपोरेट्स आपके इजीली हो जाते। डिफ्यूजन रेट, डिफ्यूजन मतलब क्या, मतलब इज़ वेरी लो, सॉलिड्स में कभी डिफ्यूज नहीं होते, आपका लिक्विड्स में डिफ्यूजन रेट हाई होता है, मतलब आपका समझो हम लोग बोल सकते हैं अगर पानी मैंने आपके ऊपर मारा तो पूरा आपका फैल जाएगा। डिफ्यूजन मतलब क्या कैसा कितना फैलते, सॉलिड्स तो नहीं फैल सकते क्योंकि प्रॉपर्टी सॉलिड है, लिक्विड मतलब क्या ऑलरेडी लिक्विड है तो दैट इज़ अ डिफ्यूजन इज मॉडरेट। यहाँ पे गैसेस में डिफ्यूजन हाई भी है एंड इट इज़ वेरी हाई, तो गैसेज जल्दी हम लोग को, हम लोग बोल सकते हैं कि गैसेज का स्मेल हम लोग को जल्दी आता है कंपेयर टू लिक्विड अगर कोई बॉयल हो रहा है, लेकिन गैसेज अगर कोई रहेंगे तो गैसेज का स्मेल तुरंत डिफ्यूज़ होता है, तुरंत बाहर आता है, तुरंत फैलता है। ओके सो दिस वॉज अ बेसिक डिफरेंस फॉर योर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो इतने पॉइंट्स है, इसमें से कोई आप चार या पांच अच्छे से आप कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो डायग्राम्स दिए आपकी क्या क्या है, सॉलिड देखो एकदम टाइटली पैक है, यहाँ पे थोड़े मीडियम या मॉडरेट है, और यहाँ पे गैसेस के देखो मॉलिक्यूल्स थोड़े हम लोग बोल सकते हैं रैंडमली अरेंज है, तो यहाँ पे देखो रेगुलर अरेंजमेंट रैंडमली एंड यहाँ पे रैंडमली अरेंज, यहाँ पे देखो इनका फिक्स पोजिशन है, ये थोड़े बहुत तो मूवमेंट होते हैं, ये मूव क्विकली होते हैं गैसेस। यहाँ पे देखो क्लोजेस कैसे वेरी क्लोज है, ये थोड़े से क्लोज है हम लोग बोल सकते हैं, ज़्यादा क्लोज नहीं, थोड़े थोड़े यहाँ पे गैप्स हैं एंड यहाँ पे फार अपार, मतलब इतना नज़दीक है इतने क्लोज नहीं है। तो एक आपका एग्जांपल था सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के लिए। आगे है आपका मिक्सचर, व्हाट इज़ योर मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, मतलब मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस से बना कंबाइन टुगेदर। तो सम एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर आर चेक्स मिक्स और सलाड, सलाड्स में हम लोग देखो अलग अलग तरह की सब्जियां रहती है बराबर कि नहीं, तो उसे हम लोग मिक्स करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज अ मिक्सचर। से आपके भेल, हम लोग द बेस्ट एग्जांपल यू कैन से द भेल, भेल में क्या आपका मुरमुरा रहता है, हम लोग उसमें प्याज डालते हैं, टमाटर डालते हैं, आलू डालते हैं, आपके विभिन्न प्रकार की चटनीज रहती है, आपकी मीठी तीखी चटनी, बाद में आपका काला नमक नॉर्मल नमक, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन हम लोग मिक्स करके हम लोग उसे खाते हैं, सो दैट इज़ अ मिक्सचर। तो उसे कहा जाता है मतलब क्या दो या दो अधिक से सब्सटेंस से कंबाइन हुए कोई चीज़ को कहा जाता है मिक्सचर। कंपाउंड क्या होता है, व्हाट इज योर कंपाउंड, कंपाउंड मतलब क्या दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ फॉर्म होंगे या कंबाइन होंगे देन दे विल फॉर्म अ कंपाउंड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या आपका मॉलिक्यूल। ओके तो मॉलिक्यूल आपके एक दूसरे से जुड़ के आपका एक कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे एग्जांपल है कोई यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन, मतलब अगर सोडियम अलग है आपका एक हम लोग बोल सकते हैं आपका मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल अलग है, लेकिन जब एक साथ वो हम लोग बोल सकते हैं कंबाइन होते दे फॉर्म अ कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या एक आपका एक कंपाउंड स्ट्रक्चर, जब दो अलग अलग हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट जॉइंट होते तो आपका सोडियम अलग एलिमेंट है, आपका क्लोरीन अलग एलिमेंट है, जब एक दूसरे का जॉइन करेंगे कंबाइन करेंगे देन दे विल फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड एज अ सोडियम क्लोराइड, उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल नमक या कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी उसे कहा जाता है। अभी डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है, मिक्सचर्स में क्या है देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सेट, मतलब मिक्सचर्स के अंदर को हम लोग को पता चलता है उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी, अगर आप भेल खा रहे हो आपको हर एक का स्वाद लगेगा बराबर कि नहीं, कि आपको अगर टमाटर बीच में आएगा आपका हम लोग को स्वाद लगेगा, आलू का स्वाद लगेगा, सो यहाँ पे क्या उनके हर एक प्रॉपर्टी उनकी रिफ्लेक्ट होती है। कंपाउंड्स में क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम दैट ऑफ एलिमेंट दैट मेक अप द कंपाउंड, मतलब कंपाउंड्स में हम लोग का एक ही स्वाद आएगा, जैसे नमक, नमक का क्या टेस्ट है सॉल्टी टेस्ट, भले उसमें अलग अलग एलिमेंट है सोडियम एंड क्लोराइड लेकिन हम लोग को टेस्ट कैसे एक ही लगता है दैट इज़ अ सॉल्टी। यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, यूनिफॉर्म यहाँ पे क्या डेफिनेट कंपोजिशन देता है, यहाँ पे देखो हर एक का स्वाद लगता है, इसके लिए देर इज नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन इन योर मिक्सचर, बट इन कंपाउंड देर इज अ डेफिनेट कंपोजिशन।
अरे यहाँ पे देखो कैन बी सेपरेटेड फिजिकल मीन्स मिक्सचर्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। समझो अगर किसी को गलती से अगर आपके भेल वाले भैया ने अगर आलू या प्याज डाल दिया आपके भेल में, अगर किसी को नहीं चाहिए रहेंगे तो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट द ओनियन, वी कैन सेपरेट द पोटैटोज और टोमेटोज विच इज़ प्रेजेंट इन योर भेल, बट कंपाउंड्स में ये सब अलग, मतलब अगर सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम को अलग करना, क्लोरिन को उसके मॉलिक्यूल्स को अलग करना पॉसिबल नहीं है। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस फॉर योर मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। आगे है एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स। अभी मिक्सचर्स में आपके दो तरह के रहते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो यानी क्या, सेम, एंड हेट्रो मतलब क्या, डिफरेंट। ओके, अभी होमो मतलब क्या, आपका एयर भी आएगा, सॉल्ट वाटर आएगा, शुगर वाटर आपका आएगा सेम, उसका सेम मतलब इजीली मिक्स हो सकता है, ब्रास एंड आपका सॉल्यूशंस। आपका हेट्रोजीनियस मतलब क्या, सॉइल, सॉइल आपके हर प्रकार की डिफरेंट रहती है, हर एक के अंदर आपका कंपोजिशन, जैसे रेड सॉइल रहती है, ब्लैक सॉइल रहती है, हर एक के अंदर उसके अंदर जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स या कंपोजिशन रहते हैं मिनरल्स के अलग अलग रहते हैं। सैंड एंड वाटर, आपका सैंड अलग दिखता है, वाटर मिक्सचर अलग है। बाद में आपका कभी कभी समटाइम्स यू मस्ट लुक वेरी क्लोजली और इवन मैग्नीफाई टू सी द डिफरेंट पार्ट्स। मतलब जैसे हम लोग बोल सकते हैं आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, मतलब उसमें क्या क्या है, आपका सैंड है, वाटर है, सॉइल है, या हम लोग क्या रेत जैसे बोलते हैं, तो आपके हर एक चीज़ में आपको वो हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट है वो। तो देयरफॉर द हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मतलब क्या, एक साथ मिलने के बाद सेम दिखते हैं। मतलब आप हम लोग बोल सकते हैं उसका, जैसे अगर शुगर एंड वाटर, मैंने ग्लास लिया उसके अंदर पानी है, उसके अंदर मैंने शुगर डाल दिया, पहले मुझे दिखेगा सेपरेट शुगर एंड वाटर, लेकिन जब वो डिजोल्व होने के बाद मुझे सेम ही मतलब दिखेगा उसके अंदर क्लियर वाटर फिर से सोल्यूशन दे। जब भी मैं टेस्ट करूँगा तो ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर वाटर मेरा सॉल्टी है या शुगरी है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। आगे है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है, एलिमेंट्स क्या रहते हैं आपके, प्योर सब्सटेंस। ओके, व्हाट आर योर कंपाउंड्स, दे आर इम्प्योर सब्सटेंस। अभी एलिमेंट्स जैसे हम लोगों ने बोला NaCl, Na आपका सोडियम खुद से खुद हम लोग बोल सकते हैं प्योर है, क्लोरीन प्योर है, लेकिन जब वो कंपाउंड फॉर्म होगी दैन इट बिकम्स इम्प्योर, मतलब दोनों का एक मिक्सिंग हो गया। बाद में इनमें क्या रहते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, इसमें क्या दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट रहते हैं आपके कंपाउंड में। ओके, सो आपका ये था, ये होने के बाद आपका रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, आपके Na हम लोग सिंबल से एलिमेंट्स को डिनोट कर सकते हैं हम लोग, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, या हम लोग बोल सकते कैल्शियम है, इसे हम लोग सिंबल्स हम लोग बोल सकते हैं कि सिंबल से डोनेट कर सकते हैं। जैसे अगर कैल्शियम, मुझे कैल्शियम लिखने की जरूरत नहीं, मैं CA लिखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, मैं अगर सोडियम लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा दैट इज Na, अगर क्लोरीन लिखना है तो मैं Cl लिखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि Cl, मतलब हम लोग सिंबल से इसे डोनेट कर सकते हैं एलिमेंट को, कंपाउंड को केमिकल फॉर्मूले से डोनेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपका Na+Cl गिव्स योर NaCl, ऐसे हम लोग कंपाउंड्स को डिनोट कर सकते हैं। एलिमेंट्स क्या है, आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम, एंड आपका कंपाउंड्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब आपका एलिमेंट्स के अंदर आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, तो एटम है। ओके, जैसे आपका Na के एटम्स मिला के आपका एलिमेंट बनेगा, या क्लोरीन के एटम्स आपकी मिला के आपका एलिमेंट क्लोरीन बनेगा, लेकिन कंपाउंड्स में आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, वो आपके मॉलिक्यूल्स है। ओके, सो दीज आर द डिस्टिंग्विश और द डिफरेंस बिटवीन योर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आगे है डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। आपका सॉल्यूशंस क्या रहते हैं, सस्पेंशंस क्या रहते हैं, एंड कोलॉइड्स क्या रहते हैं। सॉल्यूशन क्या रहते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल बिटवीन कितना, मतलब साइज दिया कितना रहेगा आपका, 0.1 to 1 नैनोमीटर, एन एम मतलब नैनोमीटर। कोलॉइड्स का देखो क्या है, 2 to 1000 नैनोमीटर, एंड सस्पेंशन का क्या आपका 1000 नैनोमीटर। यहाँ पे क्या, सॉल्यूशन में पार्टिकल्स कैनॉट बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप, मतलब पार्टिकल्स हम लोग को सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिखेंगे जब तक हम लोग लो पावर माइक्रोस्कोप से नहीं देखेंगे। पार्टिकल्स कैनॉट बी सीन विद द लो, कोलॉइड्स के भी नहीं दिखेंगे, लेकिन सस्पेंशन में पार्टिकल्स हम लोग दे सकते, कैन बी सीन बाय लो पावर माइक्रोस्कोप, मतलब हम लोग लो पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, कैनॉट बी सीन विद द लो पावर, मतलब सोल्यूशन के अंदर हम लोग के पार्टिकल्स लो पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, कोलॉइड्स में भी नहीं देख सकते। कि जैसे अगर मैंने आपका जो रहेगा चीनी रहेगा, या हम लोग बोल सकते हैं आपका नमक रहेगा, अगर मैंने पानी के अंदर मिला दे तो आपका सोल्यूशन हो गया, कोलॉइड भी वैसे होते हैं, तो उनको मैं अगर डिजोल्व करना फिर से वो देख सकता हूँ क्या पार्टिकल्स को, नहीं देख सकता हूँ। लेकिन सस्पेंशन के अंदर जो भी रहेंगे उसे मैं देख सकता हूँ। जैसे एग्जांपल विल टेक एग्जांपल फॉर द सस्पेंशन, दैट इज़ आपका एक वुड ऐश या वुड पाउडर हम लोग बोलते हैं, एंड उसे पानी के साथ मिक्स किया, तो भले वो डिजोल्व हो जाएंगे थोड़े बहुत तो, या नहीं डिजोल्व होंगे तो ऑलमोस्ट सस्पेंशन, लेकिन वो मैं माइक्रोस्कोप के अंडर अगर दिखूंगा तो मुझे आपके वुड के पार्टिकल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग दिख जाएंगे। बाद में आपका सॉल्यूशन क्या, होमोजेनियस, एक साथ मिक्स होते हैं अच्छे से, कोलर्स भी वैसे रहते हैं, लेकिन सस्पेंशन आपके हेट्रोजेनियस मतलब क्या, डिफरेंट, हम लोग को वहाँ पे डिफरेंट पार्टिकल्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके,
आगे सो दिस इज द मेमोरी मैप्स जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, तो क्या क्या है? तो मैटर एक आपका सबसे हम लोग बोल सकते हैं पेरेंट, अभी इसमें कौन है? तो मैटर, मैटर मतलब मैटर मतलब क्या, ये मैटर के ऊपर सब डिपेंड है। मैटर के इसमें आपके दो तरह के रहते हैं, कैन बी फिजिक, एक मिक्सर्स रहते हैं एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सर्स में क्या देखा हम लोगों ने? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ओके, और होमोजीनियस मतलब सेम, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट। मिक्सर्स में बाद में आपके मिक्सर्स में क्या होते हैं? कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स ऑलमोस्ट सेम थे, सस्पेंशन थोड़े डिफरेंट रहते। प्योर सब्सटेंस में क्या देखा आपका? कंपाउंड एंड एलिमेंट। सो दिस इज द मेमोरी मैप्स। अगर ये आप मैटर मतलब एक मैटर के ऊपर आप कितने टाइप से सब टाइप से हम लोग को जो कन्फ्यूजन होता है, कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है, कोलॉइड्स क्या है, तो ये अगर मैटर के ऊपर ही आपका पूरा निर्भर है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट मेमोरी मैप्स। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और यू कैन राइट इन योर नोटबुक और पेज एंड यू कैन स्टिक इट टू द, आप जहाँ पे पढ़ते हो वो आपकी दीवार पे लगा सकते हो, कि कभी भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप इजीली इसे पढ़ सकते हैं एंड आप बेसिकली अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर द असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर यू ऑल। सो पहला है आपको एक, जैसे हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का एर्गॉन एंड मैग्नीशियम का देखा था, तो आपको मालूम है। सो कैसे, तो आपको एक यहाँ पे एग्जांपल है कि नियॉन एलिमेंट का आपका निकालना है। एटॉमिक नंबर मैंने दिया है, इसी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 2.8। तो आपको खाली स्ट्रक्चर निकल के इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हिसाब से आपके एटम्स को वो आपके शेल्स के अंदर अरेंज करके वो स्ट्रक्चर निकालना है। ऑक्सीजन के एलिमेंट भी देखो, आपका एटॉमिक नंबर दिया है 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.6। बाद में प्रॉपर्टीज़ आपको आ सकता है, क्या डिफरेंस लिखो बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज, जो हम लोगों ने देखा था वही। तो बाद में ये होने के बाद आपका डिफरेंस हम लोगों ने देखा था कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में क्या है आपके डिफरेंस, एंड आपके और एग्जांपल आप ढूंढ सकते हो फॉर योर कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। सो गाइज, इफ अगेन यू आर न्यू टू माई चैनल, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन बटन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अबाउट माई वीडियोज़। एंड प्लीज़ कमेंट आप करो अच्छे से, जो रहेगी आपकी कमेंट और कुछ आपको अगर चाहिए रहेगा, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हैव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। गुड डे अहेड।